दोस्तों विष्णु भैया के साथ घटना घटी है, इसके वजह से भी सोच के बेचारा रो रहे हैं, परेशान है। यही देख रही हो क्या? हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से रो रहे हैं, ये भी परेशान है, सोच रहे हैं। दूसरों को हंसाने वाला चेहरा अंदर से टूटा हुआ रहता है। मैं सोचता हूँ मुझे जिंदगी मिले लेकिन पिछड़ू राज की तरह नहीं। दोस्तों हमारे ग्रुप के सभी लोग बहुत ही परेशान हैं और सभी लोग अपने अपने मतलब जहाँ तक सबकी पहुँच है वहाँ तक सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी मतलब क्या देख रहे हो दोस्तों? भाभी का वीडियो देखते कम से देखते कम परेशान हो गई है। जब से वीडियो अपलोड हुआ है तब से पता नहीं कितने बार देख सके, देख ली, गिनती नहीं है। तो दोस्तों यही दिन रात वीडियो देख देख के खाली ये भी रोती है। चाय बहुत भैया पीते थे। हम भी 2 दिन से ऑटो नहीं लेके गए हैं, आज ऑटो लेके जाएंगे, चलेंगे सहजनों में, देखेंगे, फोटो दिखाएंगे, उसके बाद चाय की दुकान में पूछेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, पोस्टर दिखाएंगे भैया का, हो सकता है शायद इधर भी कुछ नेचुरल भैया भी बहुत मदद कर रहे हैं, भाभी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, भाभी को बहुत हिम्मत दे रहे हैं। सही है, कम से कम कोई तो हेल्प कर रहा है दोस्तों। इतना मतलब पता नहीं कहाँ है भैया, हम लोग को खुद नहीं कुछ पता चल रहा है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सब इधर उधर पता लगा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है। भाभी सही बोली हैं कि उनको पता लगाने का एक क्लू जो भाभी दी हैं चाय की दुकान पे, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके गांव पे, चौराहे पे, बाजार, मार्केट में कहीं पे भी अगर चाय की दुकान हो तो आप लोग जरूर जाके एक बार देखिए, वहाँ पे जाइए, पोस्टर दिखाइए, फोटो दिखाइए, हो सकता है वहाँ पे गए होंगे। आप लोग को मिल गया है, नंबर भी है आप लोग के पास, आप लोग बेफजूल का कॉल मत कीजिए, सिर्फ जब काम पड़े तभी आप लोग कॉल कीजिए, क्योंकि इतने समय भाभी खुद इतना टूट गई हैं कि खुद तो संभाल नहीं पा रही हैं, ऊपर से आप लोग फ़ोन कर करके भाभी को इतना परेशान कर रहे हैं। एक तो गलत पोस्टर बनाने वालों का क्या कोई करे समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग सुधर ही नहीं रहे हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। क्या लिखा है इस पे? भाई मुझे घर पहुंचा दो, मुझे एक लाख नहीं वो नहीं, फिर यहाँ पे पढ़ो, मैं महादेव जी आप गोरखपुरिया और गोरखपुरिया भाभी के क्या क्यों छोड़ के भाग गए? फिर यहाँ पे मुझे 1,00,000 दो, बताइए यह मजाक की बात है, 1,00,000 दो, अब क्या किसी का परिवार उजड़ गया है, आप लोग को 1,00,000 की पड़ी है। इनाम वो इस वजह से बोली है कि उनके हस्बैंड मिल जाएंगे तो जो लाके देगा उनको इनाम देंगी, आप लोग ऐसा मत करिए। इनाम नहीं बहुत कुछ देंगे, लेकिन फिलहाल मिल जाने दीजिए, मिल जाए ना, मिल इस तरह थंबल मत बनाइए भाई, वो तो उन्हीं को पता है ना उनके साथ जो हो रहा है, आप लोग ऐसा ऐसा वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताया जाए आप लोगों को, बताया क्या जाए, गलत वीडियो बनाने वाले और पोस्टर लगाने वाले ये तो सुधर ही नहीं रहे हैं, इनको महादेव भैया को मिल जाने दीजिए, उसके बाद जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं तब आप लोग को बताएंगे। अभी सब लोग अपने मन में रख रहे हैं, जितने भी बड़े, हम लोग भी सबका नाम देख रहे हैं, जितने भी छोटे बड़े मतलब जो भी व्यूज के लिए बना रहे हैं गलत गलत थंबल लगा के। चलो जो जैसा कर रहा है सब भरिएगा, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो चीज़ रियल है वो चीज़ दिखाइए, भाभी का वीडियो उठा के दिखाइए कि भाभी ढूंढ रही हैं, ये सब दिखाइए आप लोग। आप नहीं ढूंढ रहे हैं तो कम से कम भाभी तो भाभी ढूंढ रही हैं, वो सब आप लोग दिखाइए भाई, आप लोग ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा, आप लोग वीडियो बनाइए, आप लोग भी ढूंढिए, देखिए, पता करिए, आप लोग भी अपनी तरफ जहाँ तक हो सके दोस्तों, चाय की दुकान हो चाहे मतलब कैसी भी दुकान हो, आप लोग वहाँ पे जाइए, पूछिए,
आज ये भी जाएंगे हमारे सहजन जितनी भी मतलब चाय की दुकान है ये भी जाएंगे बैठेंगे पोस्टर दिखाएंगे पोस्टर है दिखाएंगे, उसके बाद तब फिर पूछेंगे हो सकता है इधर भी आ सकते हैं शायद मतलब हम लोग कंफर्म नहीं है लेकिन शायद के हिसाब से हम लोग मतलब यहाँ पे दिखाएंगे भैया को किसी चाय वाली दुकान पे पूछेंगे कि भैया यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं। और तो इतना आप लोगों से कहना था और आप भी जाइए देखिए पता प्लीज़ आप लोग भी जाके देखिए दुकान पे दिखाइए पोस्टर वोस्टर उनका फिर तो उसके बाद हो सकता है कहीं ना कहीं मदद हो ही जाएगा। हाँ दोस्तों आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है क्या करें भाभी के घर पे भी ज़्यादा जाके भीड़ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके मोहल्ले वाले भी मजा ले रहे हैं मजाक कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वजह से घर पे भी नहीं जाएंगे हम लोग फ़ोन से ही जितना हो सक रहा है संपर्क कर ले रहे हैं। और भाभी आप हिम्मत रखिए सब ठीक हो जाएगा आ जाए सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों भाभी स्थान पे भी गई थी बुढ़िया माई के स्थान पे ये बुढ़िया माई भाभी आप पे बहुत भरोसा करती हैं प्लीज़ भैया के महादेव आप भैया महादेव को आप लोग वापस ला दीजिए। और दोस्तों मतलब छन भी इतना रो रही है छोटी बच्ची हो के आप लोग गलत थम्मल वीडियो बना रहे हैं बार बार यही सोच रही है पढ़े लिखे हैं बच्चे गवार नहीं है आज के बच्चे छोटे छोटे भी पढ़े लिखे होते हैं जो कि थम्मल देख रही है तो छन कैसे बोले चाचू पापा को पेश खोल दी बताइए आप लोग कम से कम बच्चे का मुँह ताकिए मत गलत वीडियो थम्मल बनाइए आप लोग सिर्फ बच्चे का मुँह ताकिए। अरे बताइए कितने प्यार से बेचारी रो रही है सिर्फ बच्चे का मुँह देख के आप लोग गलत वीडियो थम्मल मत बनाइए प्लीज़। रही बात पैसे की अगर भैया मिल जाएंगे तो पैसा ज़रूर मिलेगा क्योंकि भाभी अपना सब कुछ खो सकती हैं महादेव भैया को नहीं खो सकती हैं इज्जत से बढ़ के दोस्तों देखो पैसा नहीं है ठीक है अगर पैसा देखेंगे तो इज्जत नहीं है जहाँ इज्जत नहीं है पैसा रह के क्या होगा बताइए। अब आप लोग से क्या बताएं हम लोग यहाँ पे देखिए शादी का कार्ड भी आया है लेकिन और भाभी के घर में भी एक ही हफ्ता रह गया है शादी का सोचिए उनके घर में क्या माहौल होना चाहिए क्या माहौल हो गया है जहाँ खुशी आने चाहिए वहाँ पे एकदम रोना पिटना पड़ गया है। और किसी के विषय में नहीं बोलेंगे कि कोई क्यों ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है हमको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ से जो सामने है वो हम जो सामने है वो हम लोग देख रहे हैं भाभी के फ़ोन में जो हुआ वो हम लोग देख रहे हैं हम लोग किसी के कैमरे पे नहीं चल रहे हैं। और हला 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 बस इतना ही कहना चाहते हैं बताइए अगर देखेंगे अगर माहौल सही रहेगा तो शादी में जाएंगे अगर नहीं माहौल सही रहेगा तो नहीं जाएंगे तो उसके लिए भैया माफ़ी मांगते हैं प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि भाभी भी हमारी एक फैमिली हैं अगर हमारी फैमिली वहाँ पे नहीं जाएगी तो हम कैसे जा सकते हैं पूरी यूट्यूब हमारी फैमिली है अगर हमारे ग्रुप के कोई भी जाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे अगर कोई नहीं जाएगा तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय कितने हम लोग क्या क्या मुसीबतों से चल रहे हैं। और फिलहाल बस इतना ही कहना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा करना छोड़ दीजिए। और भाभी एकदम टूट गई हैं एकदम टूट गई हैं आप लोग सहारा बनिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए अभी भी देख रही हूँ आप लोग गलत ही कमेंट कर रहे हैं इसी वजह से लेकिन ऐसा मत करिए दोस्तों सबके छोटे छोटे बच्चे हैं कटले आप। तो एक हफ्ता ही रह गया है शादी का हम लोग को तो पता भी नहीं था कि भाभी के घर में शादी है और अब पता चला है लेकिन क्या बताएं बस आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग गलत थम्मल वीडियो मत बनाइए छन बेटी पढ़ी लिखी है मत करिए भाभी छन बेटी पढ़ी लिखी है वो वीडियो देख रही है तो आप लोग देख रहे हैं कितना टूट जा रही है कि मम्मी पापा नहीं आएंगे अब वीडियो ऐसा आ रहा है मम्मी पापा नहीं आएंगे ऐसे बोल रही है तो किसी हमारे बच्चे हुए चाहे दूसरे के बच्चे हुए दोस्तों अब सब सबके बच्चे समझदार हो गए हैं तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा वीडियो मत बनाएं।